सभी को नमस्कार। हमारे चैनल द हीलिंग स्पेल में आप सबका स्वागत है। आज हम घर पर ही गेहूं और आलू के पापड़ बनाने का तरीका देखते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। ज़रूरी सामग्री देखें, एक कप गेहूं, एक पाव किलो उबले हुए आलू, एक 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च, एक छोटी सी चिटकी हींग और नमक स्वाद अनुसार। पहले गेहूं को अच्छे तरह से धो लें और 2 से 3 दिन तक के लिए पानी में भिगो के रखें। और ध्यान रखिएगा कि इसका पानी हर रोज़ बदलना है, नहीं तो पानी में स्मेल आ जाएगा। जब सही तरीके से भीग गया हो तो जब आप आपके उंगलियों के बीच में ऐसे मस लेंगे तो पूरा मैश हो जाएगा। ये देखिए, अभी इस गेहूं को दोबारा 1-2 या 3 बार अच्छे से धो लेना है और एक मिक्सर जार में डाल के इसको पीस लेना है। गेहूं के छिलके के वजह से एकदम स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन जितना हो सके उतना पीस लेना है। इसमें मैंने 1/2 कप पानी इस्तेमाल किया हुआ है और पीस लिया है। अभी इसमें आप 1-4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च और हींग मिलाएंगे और एक और बार ग्राइंड करेंगे और इसको एक कपड़े के माध्यम से अच्छे से गेहूं का जो दूध है वो निचोड़ लेना है। अभी इसको अच्छे से मिला के ढक दे और 4 से 5 घंटे के लिए या फिर रात से सुबह तक 12 घंटे के लिए ऐसे ही साइड में रख देना है। सुबह ऐसे ऊपर पानी अलग हो जाएगा और मैदा नीचे जम जाएगी। ये ऊपर वाला पानी एकदम धीमे से ध्यान रख के निकाल लेना है। और जो नीचे जमी हुई पेस्ट है उसको एक स्पून इस्तेमाल करके अच्छे से मिला के इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला ले और इसको एक 25 से 30 मिनट तक स्टीम कर लेना है। आप चाहे तो स्टीमर या कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पकने के बाद ऐसे दिखेगा। इसको एक स्पून इस्तेमाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिलाने के बाद जितनी क्वांटिटी में गेहूं था उतने ही क्वांटिटी में आप उबले हुए आलू लेंगे और मोटे सेव बनाने का जो मशीन है उसके अंदर ये पका हुआ गेहूं और उबले हुए आलू मिला के अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। ऐसे करने से आप ये गेहूं और आलू मिलकर एक समान में पेस्ट होके आ जाएगा। अगर आपके पास ये चकली प्रेस या ये सेव बनाने वाला मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी बना सकते हो आप। इस मिश्रण को अच्छे से गूंद लें और छोटे छोटे गोल लड्डू बना के रख लेंगे। अभी 2 प्लास्टिक शीट के बीच में आप आपके उंगलियों के माध्यम से या अगर आपके पास पापड़ का मशीन है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक पैन इस्तेमाल करके ऐसे ऊपर से अगर आप प्रेस कर लेंगे तो भी आप पापड़ बना सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अभी आप धूप में 2 या 3 दिन तक के लिए अच्छे से अगर सुखा लेंगे तो ऐसे सूख के आ जाएगा। इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास सेव बनाने का मशीन नहीं है तो आप गेहूं और आलू को हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन जब हाथ से मिलाएंगे तो ठीक से घुल के एक बन के नहीं आएगा। तो जब आप पापड़ बनाएंगे तो बीच बीच में थोड़ा गेहूं का और थोड़ा आलू का अलग रंग दिखेगा, लेकिन टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, सूखने के बाद ये ऐसे दिखेंगे। तलने के बाद रंग यूनिफॉर्मली एक ही जैसे बन जाएगा, फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको। अभी तल के देखते हैं। ये पहले वाला जो तल रही हूँ ये एक चकली प्रेस या सेव बनाने की मशीन में आलू और गेहूं को मिलाया था। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है।
ये वाली पापड़ गेहूं और आलू को जो हाथ से गूंदा था वो वाला है। अभी पहले देखने में अलग अलग रंग दिख रहा हो, लेकिन जब तेल में तल लिया है तो एक ही रंग का पूरा बन गया। टेस्ट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दोस्तों, तो आपको जो आसान लगे आप वो तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिएगा और कैसे बनी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जल्दी एक और वीडियो के साथ आप सब के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिएगा और हमेशा हंसते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।